मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। ये मेडिटेशन आत्म श्रद्धा जगाने के लिए और अपने भीतर उस परम चमत्कारी अलौकिक शक्ति को जगाने के लिए एक शुरुआत है। इस मेडिटेशन में हम उस परम चमत्कारी शक्ति पर अपना भरोसा कायम करेंगे जिसके कारण ये जीवन चल रहा है, ये शरीर चल रहा है। इस शरीर की अलग अलग गतिविधियां काम कर रही हैं, ये ब्रह्मांड चल रहा है। इस यूनिवर्स की सारी ताकतें काम कर रही है। जिस अलौकिक शक्ति के सहारे सूर्य उदय होता है, धरती अपनी धुरी पर घूमती है, बारिश होती है, बिजली चमकती है, ये जीवन चलता है, मृत्यु होती है। इन सबको कंट्रोल करने वाली उस अलौकिक शक्ति पर श्रद्धा हो और ये भरोसा आए कि मेरे भीतर भी वही चमत्कारों का चमत्कार काम कर रहा है, तो इस मेडिटेशन को करने के लिए आंखें बंद कर लें। थोड़ा ऊर्जा को भीतर जगाएं ताकि भीतर से अपने होने का एहसास गहरा हो सके। तो श्वास को जोर से भीतर लेंगे, गहरा श्वास को अंदर खींचें और उसके साथ साथ प्राण ऊर्जा को भीतर भरता हुआ महसूस करें। नाक से श्वास भीतर लें और मुंह से श्वास छोड़ें। थोड़ा तेजी से करेंगे, करते रहें लगातार करते रहें। श्वास को भीतर भर लें। ऑक्सीजन के साथ साथ प्राण ऊर्जा भीतर भर रही है, प्राण ऊर्जा भीतर भर रही है और आप ऊर्जा से पूरी तरह ओतप्रोत होते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। पूरे शरीर के सभी सेल्स में, सभी ऑर्गन में कंपन होने लगा है, ऑक्सीजन के पहुंचने से कंपन होने लगा है। प्राण ऊर्जा के साथ साथ एक जागृति आने लगी है, एक कंपन हो रहा है और इस कंपन के द्वारा सारे ऊर्जा जागृत हो रही है और ऊर्जा जागरण के साथ साथ आप और ज्यादा अलर्ट, सक्रिय, सचेत होते जा रहे हैं और सचेत होते जा रहे हैं। शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ चुकी है, प्राण ऊर्जा बढ़ चुकी है, भीतर प्राण ऊर्जा बढ़ती जा रही है,
बढ़ती जा रही है। अब शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। अपना पूरा ध्यान अपने नाभि केंद्र पर लगा लें। भीतर से सीधे बैठे हैं या लेटे हैं, आंखें बंद हैं, पूरा ध्यान नाभि केंद्र पर है। नाभि केंद्र पर जो कि शक्ति का, पावर का सेंटर है शरीर में, अपना ध्यान टिका कर रखें। और मैं जो भी कह रहा हूं, मेरी हर बात को बिना किसी विश्लेषण के, एनालिसिस के, पूरी तरह स्वीकार करते हुए अपने भीतर मेरे शब्दों को विजुलाइज करें, महसूस करें। आप इस परम चमत्कारी ऊर्जा का एक अंश है। जिसे लोग परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु या और किसी नाम से भी जानते हैं, ये अलौकिक शक्ति चमत्कारों का चमत्कार, ये जो चारों तरफ मौजूद जीवन है, ये इसी शक्ति का चमत्कार है। और आप भी इस चमत्कारी शक्ति के एक रूप है। आपका ये शरीर इसी दिव्य चमत्कारी शक्ति से बना है। ये अलौकिक शक्ति आपके भीतर काम कर रही है। और अब आप इससे परिचित होते जा रहे हैं। इसी अलौकिक शक्ति का चमत्कार आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है। इसी अलौकिक शक्ति का चमत्कार आपका ये शरीर है। इसमें जो हृदय धड़क रहा है, जो फेफड़े काम कर रहे हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, किडनी, लिवर, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, शरीर के भीतरी अंग, बाहरी अंग, आंखें, कान, मुंह, नाक, ये सब इसी अलौकिक शक्ति से बने हैं। और एक एक अंग अति दिव्य है। इस दिव्य और सुंदर शरीर के भीतर ये अलौकिक शक्ति काम कर रही है। आपके रूप में आप यही दिव्य चेतना है जो इस शरीर को चला रहे हैं। आपके होने से ये शरीर
चल रहा है। जिस दिन आप इस शरीर से अलग हो जाएंगे, ये सब कुछ मिट्टी की ढेरी के समान रह जाएगा। इस पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाले सबसे बड़े चमत्कार आप हैं, और आप इसको कंट्रोल करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं वो आपका मन है। इस मन के अंदर जो संकल्प आप पैदा करते हैं उससे ये शरीर कंट्रोल होता है। आपका ये मन भी सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। आपके इस मन के पास अति दिव्य शक्तियां हैं, और अब आप धीरे धीरे इन शक्तियों से परिचित हो रहे हैं। आपके इस मन के पास संकल्प की शक्ति है। योर माइंड हैज द पावर। द पावर टू थिंक, visualize and manifest the things. आपके इस मन के पास सोचने की शक्ति है। visualize करने की शक्ति है, और अपनी इस शक्ति के द्वारा वो किसी भी चीज को प्रकट कर सकता है। बड़े से बड़े चमत्कार आपके इसी मन के द्वारा होते हैं, जिसके कंट्रोलर आप खुद हैं। इस मन के भीतर उठने वाले हर संकल्प और विकल्प को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इनका कंट्रोल करना ही मन की इस अलौकिक शक्ति को पहचानना है। मन की इस अलौकिक शक्ति के सहारे ही शरीर निरोगी रहता है, बीमारियां दूर होती हैं, आपके भीतर इंट्यूशन की पावर आती है, पूर्वाभास की पावर आती है, आगे होने वाली चीजों का पूर्वाभास हो पाना ये मन की इसी शक्ति के द्वारा होता है। किसी के मन की बात पढ़ पाना, किसी के मन में कोई संदेश भेज पाना, अर्थात टेलीपैथी, किसी के मन में क्या घट रहा है ये जान पाना, अर्थात माइंड रीडिंग, ये सारी शक्तियां आपके इसी मन के खेल हैं। अब आप जैसे जैसे इन शक्तियों से परिचित होते जा रहे हैं, इनका कंट्रोल भी आपके पास आता जा रहा है। इसके साथ साथ
अपने भीतर के ऊर्जा के स्तर को, एनर्जी लेवल को पहचान पाना कि कहाँ एनर्जी की कमी है और कहाँ अधिकता है, और दूसरों के आभामंडल में, ऑरा में भी एनर्जी लेवल को पहचान पाना ये आपके लिए संभव है। और इस अवचेतन मन की अलौकिक शक्ति के सहारे आप ये सब जान सकते हैं, जान पाएंगे। जैसे जैसे आप इस मन की शक्ति को समझते जाएंगे, आप इसका सदुपयोग करके अपने परिवार और इस समाज के कल्याणकारी कार्य कर सकेंगे। अब आप अपने भीतर इन शक्तियों को जागृत करने के लिए अपने अवचेतन मन यानी गहरे मन के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आप मेरी आवाज सुनते सुनते और अधिक रिलैक्स होते जा रहे हैं। और शांत होते जा रहे हैं। और जो मैं आपको कह रहा हूं ये सब आप अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और उस पर पूरा भरोसा कर पा रहे हैं। आप इस मन के कंट्रोलर हैं। यू आर द मास्टर ऑफ दिस माइंड। यू आर द मास्टर ऑफ योर थॉट्स। आप अपने विचारों के कंट्रोलर हैं, नियंत्रक हैं। यू आर द मास्टर ऑफ योर इमोशंस। आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने वाले हैं। अपने मन की सभी शक्तियों को उपयोग करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जान रहे हैं। अब से आप अपने इस अवचेतन मन पर पूरी तरह से कंट्रोल रख पाएंगे। अपने भीतर उठने वाले हर विचार, हर भाव पर आपका पूरा कंट्रोल होगा। और इसके कंट्रोल के साथ साथ इसकी सारी शक्तियों पर आपका पूरा कंट्रोल होगा। अपना ये कंट्रोल वापस अपने पास ले लें, भीतर जागने दें इस ऊर्जा को। यू आर द मास्टर ऑफ दिस माइंड।
द कंट्रोलर ऑफ दिस माइंड। ऐसा जानते ही इसकी सारी चमत्कारी शक्तियां आपके भीतर जागने लगी हैं। आप अपने मन को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। और इसी तरह आप किसी और के मन को भी आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे आप अपने मन के विचारों को जान सकते हैं, वैसे ही आप किसी और के मन के विचारों को भी जान पा रहे हैं। आपके भीतर माइंड रीडिंग की पावर इन्वोक होती जा रही है। आप किसी के मन को आसानी से पढ़ पाते हैं। जैसे ही आप अपना ध्यान सामने वाले के माथे पर लगाते हैं, एक गहरी सांस लेके किसी के मन से खुद को कनेक्ट करते हैं और अपने भीतर माइंड रीडिंग ऐसा 3 बार दोहराते हैं, तो सामने वाले के विचार आप पढ़ पाते हैं। आप बड़ी आसानी से ये जान पाते हैं इस व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है और इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। और ऐसा जानते ही आप उस व्यक्ति को उसकी समस्या के हिसाब से ही ट्रीट कर पाते हैं, व्यवहार कर पाते हैं। इसी प्रकार आप किसी के मन को भी आसानी से पढ़ पाते हैं और इस शक्ति का उपयोग आप केवल और केवल लोगों के कल्याण के लिए ही करते हैं। अगर कभी भी आपने इस शक्ति का दुरुपयोग किया, उसी वक्त ये अलौकिक शक्ति आपके भीतर डीएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक इसी तरह आप किसी के मन में अपने विचार भेज पाते हैं, अर्थात टेलीपैथी कर पाते हैं। जैसे ही आप किसी के माथे या सिर की ओर देखकर कोई कल्पना करते हैं, कोई थॉट भेजते हैं, तो आपके मन से उस व्यक्ति के मन में वो विचार आसानी से ट्रांसमिट होने लगता है और उस व्यक्ति को ये विचार अपने खुद के विचार जैसा महसूस होता है और वो आपके विचारों को
आसानी से स्वीकार कर पाता है। ये अलौकिक शक्ति अब आपके भीतर एक्टिवेट हो रही है। इसी तरह आप किसी के मन में भी अपने विचार ट्रांसमिट कर सकते हैं और इस शक्ति का उपयोग भी आप केवल और केवल लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। कभी गलती से भी आपने इस शक्ति का उपयोग निजी स्वार्थ के लिए किया तो ये शक्ति तुरंत आपके अंदर डीएक्टिवेट हो जाएगी और फिर सदा डीएक्टिवेट ही रहेगी। आप किसी भी व्यक्ति के कोई भी समस्या के मूल कारण अर्थात रूट कॉज को जान सकते हैं। और इस रूट कॉज एनालिसिस के द्वारा अब बड़ी आसानी से उस व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस तरह से आप समाज के कल्याण के लिए इस शक्ति का उपयोग करते जाते हैं और जैसे जैसे आप लोगों के कल्याण के लिए इन शक्तियों का उपयोग करते हैं आपके भीतर ये शक्तियां मल्टीप्लाई होती जाती हैं, आपके भीतर ये पावर और अधिक जागृत होती जाती है। अब आप अपने मन की इन चमत्कारी शक्तियों को बहुत अच्छे से पहचान पा रहे हैं और अपने भीतर एक जागृति, एक चेतना महसूस कर रहे हैं, एक रोशनी महसूस कर रहे हैं। आप परमात्मा के सबसे बड़े चमत्कार हैं और ये समझ आते ही आप खुद के प्रति श्रद्धा से भर जाते हैं, धन्यवाद भाव से भर जाते हैं। मैं अपने भीतर बैठी इस परम चेतना को नमन करता हूं। हाथ जोड़ लें और अपने भीतर जो ये परम चैतन्य है, ये परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु गॉड का जो दिव्य रूप आपके भीतर समाया है उसे नमन करें, अपने आप को नमन करें। मेरा मुझको नमस्कार है, मेरा इस परम अलौकिक शक्ति को नमस्कार है। मैं आनंदित हूं कि मेरे भीतर ये सारी शक्तियां जो मेरा अपना खजाना थे जिसे मैं रखकर भूल गया था वो सब जागृत हो चुकी हैं और इनका उपयोग मैं अपने समाज और देश के
और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कर पा रहा। अहोभाव से भर जाएं, ग्रैटिट्यूड से भर जाएं, इस अलौकिक शक्ति को पाकर मैं पूरी तरह आनंदित हूं। बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू वेरी मच। दोनों हाथ रब करके आंखों पर लगा लें। ग्रैटिट्यूड के इन भावों को आनंद रूप में बहने दें। और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल लें। थैंक यू वेरी मच।